हम पापा को प्यार से मनाएंगे, मगर तुमने तो पापा से प्यार से बात करनी ही नहीं। मैं पापा से प्यार से बात करूंगी और मान जाओ। यस ये अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। हां जी पापा, हम कहीं बाहर चले? बेटा अभी नहीं, काम। पापा हर वक्त काम 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 काम, हमें भी टाइम दे दिया करें। बेटा काम ना करो तो फिर कमाओ कैसे? कमाने का छोड़े, आप हमें बाहर लेकर जाए, मैं थकती हूँ, मैं पूरा वीक पड़ती हूँ। कहीं बाहर जाना? जी चले फूफो की तरफ चलता। क्या फूफो 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 फूफो, मैं थक आ गई हूँ फूफो की शक्ल से, और ना मेरा कोई उधर एज फेलो है जिसके साथ मैं खेलूं। बेटा बहुत बुरी बात है, फूफो के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। पापा लेकिन देखे तो उधर ना कोई मेरे एज फेलो है और फूफो की तो। बेटा इतना प्यार करती हैं आपसे, फिर क्यों ऐसा कह रही हैं आप? वो तो जैसे हमारे घर हमेशा आई होती हैं और हमें लगा ली होती हैं, आजो बेटा आजो। बेटा बात ठीक है, वो अब उनके घर में और कोई बच्चा नहीं है, वो आपको अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं, तो समझा करें ना। अच्छा मुझे बताया कि आपने मेरे बेटे ने किधर जाना है? मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री। आउट ऑफ कंट्री जाना है मेरे बेटे ने? बेटा भी आपको पता है मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इस लैपटॉप को छोड़ें बेटा, जो कि मुझे बहुत जहर लगता है। क्या चाह रही हैं आप, क्या करना? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आउट ऑफ कंट्री लेके जाए हम सबको। बुरी बात है, आप मेरा पूरा 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी वेस्ट कर देंगी। हम कौन सा कह रहे हैं, मैं 2 या 3 हफ्ते नहीं, मैं तो कह रही हूँ महीना रहने चले जाते हैं। आपने मुझे इतना घर में करवा दिया है ना कि मैं तंग आ गई। अच्छा मुझे बताएं आपको छुट्टियां कब आ रही है? मुझे आ रही है नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ चलो ठीक है, हम प्लान करेंगे और मैं टाइम निकालूंगा और हम जाएंगे। ओके ठीक है, बाय। यार भी फेसबुक यूज कर रहे हो? हाँ। ये कौन है मुझे इरिटेट ना करो। हेलो, हाय, मेरे पास तुम लोगों के लिए गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? मैं क्यों बताऊं? प्लीज बता दो। प्लीज पहले मुझे कुछ खिलाओ। चलो तुम आधा घंटा टैबलेट यूज कर लो। थैंक यू। तो हमारे प्लान के मुताबिक मैंने कल रात पापा से बात की और उन्होंने सोचा कि हम जरूर जाएंगे और इसके लिए वो टाइम जरूर निकालेंगे। ये हेलो बाबा। हाय बेटा। मामा आपने कहा था एक मंच के बाद मैं आपको पढ़ लिखकर जाऊंगी, लेकिन आप लेके ही नहीं जाते, मैं तंग आ गई हूँ। ओहो, एक मंथ हो गया? जी बेटा आपको पता ही है एक नया प्रोजेक्ट मिला है मुझे, उसकी वजह से मैं बहुत बिजी हूँ। ये देखिए अभी भी उसका काम है, वो देखिए वो फाइल्स पड़ी हुई हैं। बाबा प्रोजेक्ट आपके लिए होता है ना कि हमारे लिए। बेटा इसी से तो कमाई होती है। तो जैसे थाना बन गए ये घर। बेटा फूफो की तरफ हो आओ ना, कोई बात नहीं है। फूफो मुझे अब तक आ गई मैं फूफो के घर जाने से। क्या चाहती हैं बेटा, मैं भी बिजी हूँ, आप भी फूफो के घर नहीं जाना चाहती, कहीं नहीं जाना चाहती, अब क्या किया जाए? मैं भी ये नहीं कमाऊंगा तो आपके खिलौने ये सारा कुछ कहाँ से आएगा? बाबा मैं इन मामलों से दूर रहकर मैं आपसे एक फ्रेंड में बात कर रही हूँ कि मुझे बाहर जाना है और जाना है। मैं तो तंग आ गया हूँ, तंग आ गया हूँ, या काम करूँ या आप लोगों को टाइम दूँ, क्या करूँ मैं? बाबा आप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा टाइम भी दे सकते। बेटा मुझे भी थोड़ा टाइम दे ना, मैं भी चाहता हूँ कि मैं। बाबा आपको एक मंथ का टाइम दिया। बेटा अभी आपको नया प्रोजेक्ट मिला है, वो हमें इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये देखिए प्रोजेक्ट में उस पर काम कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं समझते? आप तो मेरी प्यारी बेटी है ना बाबा, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी आपके बहन भाई कुछ कहते हैं मुझे, लेकिन आप आके मुझसे फाइट करती हैं। मेरे बहन भाई भी ऐसे ही सोचते हैं, अगर आपकी लाडली बेटी से आप बात करें तो अब वो भी आपको यही कहेगी कि आप आई नहीं लेके जाते और ये नाइंसाफी हो रही है। बाकी बच्चे भी जाना चाहते हैं जी।
बेगम जी मामा को बुलाया था। हाँ जी बताएं क्या करना चाहिए इन बच्चों का यार। तो ले जाएं बाहर, बच्चे सही कह रहे हैं, आप हर वक्त बिजी होते हैं, आप बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं देते। एक महीना हो गया बच्चों को कहीं भी नहीं लेके गए, बंदा वैसे ही आउटिंग के लिए ले जाता है, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है। आउट ऑफ सिटी तो रहने देते हैं, वैसे कहीं आउटिंग पे चलते हैं। नहीं, अब आउट ऑफ सिटी जाने वाला टाइम आ गया, वैसे जाने वाला टाइम गुजर गया, जो आप कहीं लेके गए। बेटा आपको वंडर वर्ल्ड लेके चलता हूं। वंडर वर्ल्ड नहीं, मुझे कहीं आउट ऑफ सिटी जैसे अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, यूके। चलिए इसके बारे में प्लान बनाते हैं। अब अपनी मामा से पूछ लें कि जो है आउट ऑफ कंट्री जाना बेहतर है। मामा खुद कह रही है कि वो बाहर जाना चाहती है। आप हमें कम से कम 2 या महीना हो गया कि आप हमें लेके नहीं गए। चलो ठीक है, डन हो गया। अब मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा। कब? बस आपके पासपोर्ट बन जाए, फिर वीजा लगवाएंगे और फिर हम जाएंगे। डन डन। मुझे नहीं पता, ट्रिप अब आने वाला है, हम उसमें जाएंगे। हाँ हम जाएंगे, और ना हम पापा को बताएंगे और ना हम मामा को बताएंगे। देख हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, हम खुद जाएंगे, ना खाना पीना, हम सब कुछ खुद अफोर्ड करेंगे। और देखते हैं हमारे वाले बॉक्स में। काफी है, चलो चलो चलो।